नागपुर छिंदवाड़ा छोटी लाइन की बड़ी लाइन तब्दील होने के बाद अब इस रेलखंड पर मालगाड़ी चलाई जा रही है। इसी क्रम में 28 अक्टूबर को छिंदवाड़ा से किसान रेल चली है। आज से ब्रॉडगेज लाइन पर किसानों के लिए किसान रेल दौड़ पड़ी है। इस किसान रेल में 4 पार्सल वैन, 12 सामान्य और 2 SLR सहित 18 कोच है। ये ट्रेन किसान रेल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से होते हुए हावड़ा पहुंचेगी। यह सांसर, सावनेर, इतवारी, गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, चांपा, झारसुगड़ा, रायगढ़, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर, खड़गपुर होकर हावड़ा के लिए चलेगी। इन शहरों से किसानों ने अपनी फसल इस ट्रेन में लोड की है। 29 अक्टूबर को ये हावड़ा दोपहर 3 बजे छिंदवाड़ा के लिए रवाना होगी। इस रेल के जरिए किसानों के फसल के परिवहन को लेकर रियायती दरों पर चलने वाली किसान रेल के संबंधित जिलों के अधिकारियों को भी पत्र भेजा गया है और इसके जरिए उन शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को सूचना भी मिल गई है, वो इस ट्रेन का अपने फसल के बुकिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। से सौसर से और इतवारी से चढ़ेगा, गोंदिया से चढ़ेगा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड मोर देन 150 टन जो है लोडिंग इसमें रहेगी। क्या क्या भेजा गया सर इसमें? पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं, मेजर चंक तो अनार का है और मशरूम है और छिंदवाड़ा से आलू और प्याज भी चढ़ा था और गेहूं भी चढ़ा था और कुछ हार्ड पार्सल्स हैं जो पेरिसेबल नहीं है, जिनमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो हार्ड पार्सल्स भी कुछ हैं अराउंड 20 टन्स। कुल कितने वैगन जा रहे हैं? 10 तो जीएसएन वैगन है और VPU कितना? 4 है ना? 4 VPU है और 2 SLR है। उसमें ये है कि अगर एक बार वो बड़े शहर का मार्केट पकड़ लेते हैं और हम उसको रेल के थ्रू, लॉजिस्टिक्स के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो बेसिकली ये किसानों के बीच और मार्केट के बीच जो गैप है उसको ब्रिज करने का एक प्रोग्राम है और इसमें फ्रेट में 50% काउंटर पर ही हम सब्सिडी दे रहे हैं और जो हम सब्सिडी दे रहे हैं किसानों को, हमको जो है फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, उसका एक स्कीम है ग्रीन टोटल, टॉप टू टोटल ग्रीन मिशन है उनका, उसके तहत ही हमको फंड एडवांस में मिल गया है और हमको उनको फ्रेट देकर ये फंड यूटिलाइज करना है। तो बढ़िया है लेकिन जो हमारा कैपेसिटी है लोडिंग का, उसको यूटिलाइज करने के लिए और बहुत ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, खासकर जो स्टेट गवर्नमेंट हैं और उनके ऑफिसर्स हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में और ऐसे व्यापारी ट्रेडर्स जो पेरिसेबल के बिजनेस में लगे हुए हैं और जो लॉन्ग डिस्टेंस में कलकत्ता जैसे, हावड़ा जैसे बड़े शहर के मार्केट को पकड़ सकते हैं, उनको लोकल लेवल पर किसानों से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमको इसका रिस्पांस और बहुत अच्छा मिलेगा। कम दरों पे रेलवे जो है लॉजिस्टिक्स की सुविधा मुहैया करा रही है और ज़्यादा क्लोज इंट्रैक्शन, क्लोज कोऑर्डिनेशन करने की लेकिन अभी भी ज़रूरत है, तो हमारे इन पे आने वाले टाइम पर इस पर काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज़, नागपुर।